ओपीएस देना ठीक है, लेकिन 1,25,000 लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपनी सरकार लाने के चक्कर में हमने 70 से 80 लाख लोगों के जीवन को जो है वो अब जो है वो अधर में लटका दिया। केंद्रीय मंत्री ने तो सीधे ही कहा कि भाई 4 साल बाद जो है वो, 4 साल बाद जो है ऐसी स्टेटें जिन्होंने ओपीएस बहाल किया हुआ है उनको सोचना पड़ेगा कि 4 साल बाद उनकी वित्तीय हालात। नहीं खलनायक हूँ मैं, कांग्रेस नहीं धोखा है, हिमाचल बचाओ मौका। मैंने एक नारा दिया था अपने चुनावों में कि कांग्रेस नहीं धोखा है, हिमाचल बचाओ मौका है। सच्चाई में चुनाव में तो चल पड़ा ये, वहां तो ओपीएस भी नहीं चलने दी हमने, वहां तो ये जो 25 लोग आए हुए हैं अब इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी सोचना पड़ेगा। विरोधाभास है हमारे ही बयानों में, आपने कहा हमारे फाइनेंशियल जो है वो हालात ठीक नहीं है, एक तरफ हमने जो है वो ये जो एनपीएस का पैसा है 8,000 करोड़ जो हम कह रहे हैं दिल्ली से आएगा वो नहीं आएगा, उन्होंने तो केंद्रीय मंत्री ने तो सीधे ही कहा कि भाई 4 साल बाद जो है वो, 4 साल बाद जो है ऐसी स्टेटें जिन्होंने ओपीएस बहाल किया हुआ है उनको सोचना पड़ेगा कि 4 साल बाद उनकी वित्तीय हालात कैसे होंगे, ये इनको असेस करना चाहिए। और मैं इनसे ये निवेदन कर रहा हूं, इनका भी कुछ नहीं जाना, एक बार मैंने भाषण दिया यहां से, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी वहां हैं, वो भी नाराज हो गए, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप कहते हैं कि 32,000 का कर्जा जो है वो हर हिमाचली पे है, उस टाइम का भाषण, तब विक्रमादित्य जी नहीं थे उसमें, हम पहली बार जीते हुए, और मैंने रेफरेंस में कहा कि 32,000 का कर्जा जो है वो हर हिमाचली पे है। और कल मैं जब बयान सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये कह रहे थे कि 92,000 करोड़ का, 92,000 का कर्जा हर हिमाचली पे हो गया, और इसमें इन्होंने कल ये भी ओपीएस देना ठीक है लेकिन 1,25,000 लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपनी सरकार लाने के चक्कर में हमने 70 से 80 लाख लोगों के जीवन को जो है वो अब जो है वो अधर में लटका दिया, उसके लिए क्या पॉलिसी है हमारे पास। मैं, मेरे को कई बार लोग कहते हैं ओपीएस में मत बोलना, मैं तो शरेआम बोलता हूं कि अगर 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 को यार अब जीना भी कितना है, कलयुग में कितनी उम्र है, कितनी उम्र है, अभी तो आपकी बहुत है, पता नहीं गुरु जी, अगर ऐसा ही हालात रहे हमारे जैसे पीछे लगे हैं लोग, कंक्लूड आपने भटकाया, मेरे को आपने भटकाया, इसीलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रेसिवली फैसले ले रहे हैं, मैंने कहा इनसे हमें आपसे बहुत प्रीत है, बहुत प्यार है, मोहब्बत है आपसे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं जिस तरह से माननीय मुकेश जी कई बार दिल में कुंठा होते हुए भी मैंने यहां देखा है, मैं यहीं इसी कुर्सी पर बैठा करता था, साथ साथ बैठते थे, इनको भी पता नहीं था कि स्थिति ऐसी बनेगी। और वैसे ही जो भाई सुधीर जो बड़े करुणामय तरीके से जिस तरह से इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, हमें इनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। और साथ में पीछे यादवेंद्र गौमा जी ऐसे ऐसे बैठे हुए कि पता नहीं मेरा नंबर कब लगेगा, और साथ में संजय रतन जी तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ यहाँ भी अन्याय हो रहा है, ये सच्चाई है। चलिए चलिए कंक्लूड, जब मैं लास्ट में ये कंक्लूड ही कर रहा हूँ, लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी उठ गए जब ब्राह्मणों की बात आई तो ये पहले ही उठ गए, ब्राह्मण विरोधी लगते हैं सारे के ब्राह्मण विरोधी लगते हैं, और वो पटा रहे हैं ब्राह्मण को। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सर, आप ये जो बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ, ये एक्सीडेंटल स्थिति जो है वो कई बार हमारी तरफ रेफर करते थे पिछली बार, इस बार स्थिति वहां ऐसी है, भाई हर्षवर्धन जी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो भी कुंठा में ग्रस्त है क्योंकि राम कुमार जी दंदनाते हुए चल रहे हैं और सांस उनकी लटकाई हुई है, और यहाँ पर राजेंद्र राणा जी जैसे लोग कई हैं जिनको लगता था कि भाई हम ही मिनिस्टर होंगे, पर उनके भी हालात कुछ ठीक नहीं लगते, इसीलिए मेरा सिर्फ निवेदन इतना है सर, चंबा कांगड़ा के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। जो चंबा कांगड़ा के साथ अन्याय चला है, क्योंकि पूर्व में जितनी सरकारें रही हैं कांगड़ा को 3 से 4 मिनिस्टर मिले, चलिए चलिए छोड़िए अब, और चंबा में भी मिनिस्टर, लेकिन हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सही कार्यों में समर्थन करेंगे, लेकिन जब 23 तारीख को इनका उत्तर आए तो रिलीफ जो चुरा विधानसभा क्षेत्र को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, नहीं चंबा बोलो चंबा, चलो चंबा आपने मिक्स कर, पूरे चंबा को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए, मैं अपने शब्दों को ठीक करता हूँ। आपने जो है वो जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये 66 पेजों के जो जो ये जुमले थे,
ये जो है इंटरनेट का समर्थन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। आपने मुझे समय दिया माननीय अध्यक्ष महोदय।